दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इस लड़ाई में विराट कोहली की गलती नहीं थी तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों कोहली और गंभीर की लड़ाई पर अब तो धोनी ने भी अपनी टिप्पणी कर दी है। आखिरकार इतनी भयंकर लड़ाई पर क्या बोले हैं धोनी, किसकी गलती निकाली है उन्होंने, आपको उनका बयान दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, कोहली गंभीर और नवीन उलख इन तीनों में सबसे गलत कौन था इस लड़ाई में, नीचे कमेंट करके उस खिलाड़ी का नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल के मुकाबले हद से ज्यादा रोमांचक होते हैं, उन्हें अंतिम पलों तक देखा जाता है, लेकिन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए कोई नहीं रुकता। लेकिन आज पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ही असली मुकाबला शुरू हुआ। दरअसल दोस्तों आरसीबी की टीम हाल फिलहाल में लखनऊ से अपने होम ग्राउंड में हारी थी, जिसके बाद लखनऊ की टीम के खिलाड़ियों का अजब गजब सेलिब्रेशन देखने को मिला। कोई खिलाड़ी हेलमेट फेंक के मार रहा था तो कोई दोस्तों मैदान में आके अपशब्द कह रहे थे। उसके बाद दोस्तों विराट और गंभीर की गले लगते हुए तस्वीर भी वायरल हुई थी, लेकिन आज कुछ और ही नजारा देखने को मिला। लखनऊ के मैदान में दोस्तों आरसीबी की टीम ने आज 127 रन ही बनाए, जिसमें विराट कोहली के 30 से ज्यादा रन और फाफ के 40 से ज्यादा रन थे। इनके अलावा कोई भी खिलाड़ी 15-16 से ऊपर जा ही नहीं पाया। नतीजा ये रहा कि आरसीबी की टीम 127 रन बना पाई। अब दोस्तों 127 रन के टारगेट को चेस करना लखनऊ जैसी मजबूत टीम के लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन चमत्कार देखिए कि कोहली और डुप्लेसिस की कप्तानी का जलवा कुछ ऐसा दिखा कि आज वो इसे भी चेस करने में पूरी तरीके से असमर्थ रहे। दोस्तों सिराज ने आते ही बड़े विकेट लिए काइल मेयर्स को आउट किया और देखते ही देखते आरसीबी की टीम को इतने विकेट मिल गए कि 35/5 आउट हो चुके थे। अब दोस्तों एलएसजी की टीम के अंतर इतना ज्यादा बढ़ गया कि 7 गेंदों में 23 रन चाहिए थे और अमित मिश्रा केएल राहुल फिर जाकर भी अपनी टीम को जिता नहीं पाए। लेकिन जब आरसीबी की टीम जीती तो कोहली का सेलिब्रेशन एज यूजुअल था, काफी अग्रेसिव और अटेंटिव। इस सेलिब्रेशन को दोस्तों वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और पारी के 16वें ओवर में जो सिराज के साथ गर्मा गर्मी हुई थी नवीन उलख की और कोहली के साथ भी डेड स्टेयर हुआ था, उसे दोस्तों इस खिलाड़ी ने जारी रखा मैच के बाद भी। एक तो कोहली से हाथ नहीं मिलाया, ऊपर से हाथ झटक कर आगे बढ़ गए। इतना ही नहीं दोस्तों विराट कोहली ने इन्हें इग्नोर करना चाहा तो गौतम गंभीर टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ मिलकर आते हैं और कोहली को अपशब्द कहने शुरू कर देते हैं। फिर भी दोस्तों विराट कोहली बीच बचाव करते हैं, सुलझाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मैदानी अंपायर केएल राहुल सबको बीच में आना पड़ता है, तब जाके ये मैटर शांत होता है। लेकिन दोस्तों विराट कोहली और गौतम गंभीर से लेकर नवीन उलख की इतनी खतरनाक लड़ाई पर अब तो क्रिकेट की दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी गुस्सा उठे हैं। आखिरकार दोस्तों धोनी ने किसे गलत बताया है और किसे सही, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि धोनी ने अपने बयान में इस लड़ाई पर कहा, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसे भारत देश में सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है, सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। अगर उसमें इस तरीके की हरकतें होने लगेंगी तो भला इस गेम से देश की युवा पीढ़ी, वो करोड़ों खिलाड़ी जो क्रिकेट में आगे कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, वो क्या सीखेंगे। मुकाबला अच्छा खासा चल रहा था लेकिन बीच मैदान में वो नवीन उलख खिलाड़ी का इस तरीके से सिराज और फिर विराट कोहली के साथ बदसलूकी करना सही नहीं था। देखिए छोटी बातें अगर पिच पर ही सेटल हो जाएं और मैदान के बाहर ना आए तो ही बेहतर रहता है, लेकिन इस खिलाड़ी की मैच्योरिटी इतनी ज्यादा थी कि विराट कोहली के हाथ मिलाने के बावजूद भी ये लगातार लड़ते चले गए, अपशब्द कहते चले गए, और जब आग में घी डालेंगे तो आग तो उन्हें छुएगी ही ना। विराट कोहली ने मेरे नजरिए में बिल्कुल सही किया, उन्होंने केवल जवाब दिया और जवाब देना गलत नहीं। आप कब तक मैदान में अपने से छोटे खिलाड़ियों की सुनते रहेंगे, आपने तो उन्हें इज्जत बख्शी लेकिन वो इज्जत के लायक ही नहीं थे। साथ ही गौतम गंभीर को भी इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें केवल बातचीत से इस पूरे मसले को सॉल्व करना चाहिए था, लेकिन उनकी अप्रोच लड़ाई की ज्यादा लग रही थी जो कि सरासर गलत थी। मुझे उम्मीद है गौतम और कोहली के बीच में अब सब सही होगा। दोस्तों धोनी ने अपने बयान में बिल्कुल सही इंसान की गलती बताई है, ना तो वो ऐसा करते और ना ही विराट और गंभीर के बीच में एक बार फिर से ये चिंगारी आग बन जाती। लेकिन आप सभी को क्या लगता है इसमें गलती वाकई में किसकी थी, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।